हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। होमगार्ड 8 मार्च 2020, आज की देशभर की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आपको इस वीडियो में पूरी अपडेट दी जाएगी। दोस्तों, होमगार्ड जवानों के होमगार्ड एक्ट 1947 में संशोधन करके होमगार्ड जवानों के लिए स्वयंसेवी शब्द को हटाकर उनको स्थायी कर्मी बनाने को लेकर होमगार्ड जवानों ने जो है वो गृह मंत्री जी को ये पत्र भेजा है और ये मांग की है कि गृह मंत्री जी होमगार्ड संशोधन एक्ट 1947 में जो है वो संशोधन करें और होमगार्ड जवानों को स्वयंसेवी शब्द जो है उसे हटाए और होमगार्ड जवानों को स्थायी करें और उन्हें पुलिस के समान आदि सुविधाएं जो है वो प्रदान करें। तो गृह मंत्री को ये पत्र भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि गृह मंत्री इस पर क्या कुछ जो है जवाब देते हैं और क्या कुछ इस पर एक्शन जो है वो लिया जाता है। चलिए देखते हैं आज की अन्य बड़ी खबरें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी होमगार्ड सैनिक हटाए गए, होमगार्ड सैनिकों की अवमानना याचिका में आरोप, नोटिस जारी। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी होमगार्ड सैनिकों को 2 माह के बगैर वेतन के कॉल आउट ड्यूटी का फरमान जारी किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बारे में दायर अवमानना याचिका में लगे आरोपों पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। बालाघाट में पदस्थ होमगार्ड सैनिक योगेश वनवारी की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के नवंबर 2019 तथा फरवरी 2020 में पारित आदेश में कहा गया था कि होमगार्ड सैनिकों से 10 माह की समय लेकर उन्हें 2 माह के लिए न बैठाए जाए। इसके बावजूद डीजी होमगार्ड के आदेश का हवाला देते हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडर ने बिना वेतन 2 माह की कॉल आउट ड्यूटी और फरमान जारी कर दिया। इस आदेश के आड़ में अब होमगार्ड सैनिकों को जबरदस्ती घर भेजा जा रहा है, जो हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार को आदेश दिया था कि होमगार्ड जवानों को पूरे 12 महीने ड्यूटी दी जाए। 10 महीने की ड्यूटी का जो रूल था उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार जो है होमगार्ड जवानों को 10 महीने ड्यूटी दे रही है, 2 महीने उन्हें जबरदस्ती घर बैठाया जा रहा था। तो हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस को हाई कोर्ट ने जारी किया है सरकार को और होमगार्ड डीजी को। अवमानना याचिका में गृह सचिव, डीजी होमगार्ड, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तथा कमांडेंट होमगार्ड बालाघाट को पक्षकार बनाया गया था। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास मावर ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने मामले में बनाए गए आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से है, होमगार्ड जवानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है होमगार्ड जवानों को, जो ड्यूटी उनकी कम की जा रही है उसको लेकर, और अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि होमगार्ड जवानों को पूरे 12 महीने की ड्यूटी दी जाएगी। राजस्थान सरकार देने के बजाय छीन रही है रोजगार, 2250 होमगार्डों को हटाकर मांगे 2500 आवेदन। राजस्थान सरकार होमगार्ड को रोजगार देने के बजाय छीन रही है। प्रदेश में 27,000 होमगार्ड में से 15,500 को ड्यूटी ही नहीं मिल रही है, वहीं अब 2250 होमगार्ड और बेरोजगार हो गए हैं। इधर दूसरी ओर सरकार 2500 नए होमगार्ड नामांकित करने जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब पुरानों को ही रोजगार नहीं दे पा रही है तो नई भर्ती का क्या फायदा है। राज्य में 2500 होमगार्ड स्वयंसेवकों के नामांकन के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। होमगार्ड के लिए अभ्यर्थी 7 अप्रैल से 6 मई तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में वर्तमान में करीब 27,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवी पंजीकृत हैं, इनमें से 12,053 को ही रोजगार मिला हुआ है। जी हां दोस्तों, 15,000 से अधिक होमगार्ड जवान अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी सभी जवानों को ड्यूटी देनी चाहिए, ये सोचना चाहिए सरकार जो है वो ड्यूटी देने के बजाय होमगार्ड जवानों को बेरोजगार बना रही है। तो राजस्थान सरकार को सभी जवानों को ड्यूटी देनी जरूरी है दोस्तों। तो ये थी आज के होमगार्ड की मुख्य मुख्य अपडेट। आपके राज्य की हर खबर हम आपको सबसे पहले देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।